ओके तो चलिए नमस्कार, इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास और आम होने वाली है। यहाँ छत्तीसगढ़ में नई योजना किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बढ़ेगा आय 21 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत। यहाँ किसान भाइयों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर के हर जिले में एक एक स्थान पर समारोह के रूप में शुभारंभ के कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू किए जाने की घोषणा उपरांत इसके क्रियान्वयन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस तारतम्य में प्रदेश के समस्त कलेक्टर तथा वन मंडल अधिकारियों को पत्र भेजकर जिले में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसान भाइयों, इसको लेकर जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय अर्ध शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायती तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किया जाएगा। राज्य में इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ के मान से कुल 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा चयनित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जिससे कृषकों को निश्चित आय प्राप्त हो सके। वन क्षेत्र से बाहर लकड़ी उत्पादन बढ़ने से काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। महिलाओं को पैसे की बात करें तो कितना अनुदान राशि हितग्राही को मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगा, इसकी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। 21 मार्च योजना के शुरू होने के बाद ही इससे संबंधित अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे जानकारियां सामने निकल कर आएगी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो भाई, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। इससे जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।